हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। तो गाइज, आज हम आ चुके हैं हमारी बजरी सेटअप में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में इनका वीडियो बनने वाला है, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था इसीलिए। तो चलो आज हम इनका ब्रीडिंग प्रोसेस चेक करने वाले हैं, कैसी ब्रीडिंग जा रही है, क्या जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी बेबी भी बाहर आ चुके हैं। हम इस वाली मटकी का शुरू करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसमें एक बेबी है और ये भी खाली है मटकी, और इसमें फिर से और एक आगे है, ये भी खाली है। और इसमें देख सकते दो चार छः एग है, और इसमें भी चार एग है, और इसमें सात एग आ गए गाइस। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा ये मटकियों का। तो ये भी खाली, और ये भी, क्योंकि हमने गाइस काफ़ी ज़्यादा बजरी सेल कर दी है, और इसमें शायद में भी बेबी आए हैं पता नहीं। और इसमें भी तीन एग आगे है, और इसमें भी एग है, कुछ बेबी है होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और देख सकते हैं इसमें भी चार एग आगे, और इसमें पांच एग है, और ये हमारी स्पेंगल इसमें दो एग्स है, और ये भी एक स्पेंगल है, इसमें पता नहीं क्या है, चलो कोई नहीं। और इसमें भी दो एग हमको दिखाई दे रहे हैं, तीन दिखाई दे रहे हैं, बाकी पता नहीं। और ये भी खाली है, ये भी, और ये भी खाली है। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा एग्स आ चुके हैं अभी, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बेबीज भी निकले हैं। ये देखो, ये काफ़ी खूबसूरत है ये बच्चा। और गाइस, सबसे मेन बात है ये, क्योंकि अभी ये गर्मियों का मौसम, तो गर्मियों में गाइस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कूलर पे, जो आपको इनका टेम्परेचर है, टेम्परेचर पूरा आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है आपका टेम्परेचर, तो उससे बर्ड्स बीमार नहीं होंगे और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात है गाइस, पानी आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, अंदर का दिखाई देना चाहिए, और दाना, और जितना हो सके ठंडा खाना दो अभी आप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जामुन वगैरह पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको अभी आपके टेम्परेचर पे, क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी के लिए कूलर मैनेज कर सकते हैं। तो ये देख सकते, ये बेबी भी आप देख सकते, काफ़ी खूबसूरत है ये, देखो फ्लाई भी अच्छा कर रहा है ये, और काफ़ी खूबसूरत थी ये माशाल्लाह। और इधर भी काफ़ी बेबीज आ गए हैं, नीचे भी काफ़ी बेबीज है। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे कॉकरटेल है, इसी में डाले हैं क्योंकि हैप्पी रहते हैं ये, अगर इनको अकेला छोड़ा तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वैसे काफ़ी हैप्पी रहते हैं। और ये भी हमारे कॉकरटेल है, कुछ इनकी वीडियो पूरी डिटेल में हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी पूरी वीडियो है कॉकरटेल की, तो आप जा सकते हैं वहाँ भी देख सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और कमेंट करके बताओ आपको जो भी ऐसा लगता है, जो भी आपके सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।